दोस्तों आज है गुरुवार यानी कि थर्सडे का दिन। हम आपके लिए मोटिवेशनल स्टोरी जरूर लेकर के आते हैं, तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिए। $6 बिलियन यानी इंडियन रुपीज में आप कैलकुलेट कर लीजिए, ऊपर मैंने लगा रखा है, देखिए आप देख सकते हैं उसमें बहुत ज़्यादा रुपये होते हैं, आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे। $6 बिलियन का इन्होंने डोनेशन किया। कौन है ये जिन्होंने $6 बिलियन का डोनेशन किया और इन्होंने ये संपत्ति इतनी सारी लाए कहाँ से, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों यहां पर हम बात करते हैं मैकेंजी स्कॉट की, जिनका आप फोटो देख रहे हैं। मैकेंजी स्कॉट जो है एक लेखिका है और इन्होंने जो है कुछ ऐसा किया, शुरुआती दौर में कोई कंपनी के शेयर लिए, जिसकी वजह से आज की डेट में उन्होंने ये $6 बिलियन का जो डोनेशन किया। KBC कौन बनेगा करोड़पति, मैंने देखा और मुझे ये चीज़ क्वेश्चन अमिताभ बच्चन ने पूछा, एक लड़की से पूछा कि ये बताइए कि जो मैकेंजी स्कॉट हैं इन्होंने जो है 2020 में जो डोनेशन किया था $6 बिलियन का, इसमें से ज़्यादातर जो पैसा है, जो संपत्ति उन्होंने किस कंपनी के शेयरों से प्राप्त की, किस कंपनी के शेयरों से उन्होंने प्राप्त किया। तो उसमें ऑप्शन दिया गया था, चार ऑप्शन दिए गए थे, इसमें जूम था, इसमें टेक्सला था और एक और उसके साथ ही साथ में एक था अमेज़ॉन। तो उस लड़की ने जवाब भी सही दे दिया, अमेज़ॉन से लिया। तो जी हाँ दोस्तों, अमेज़ॉन से जो है उन्होंने जो शेयर लिया मैकेंजी ने, ये कब लिया, शुरुआती दौर में। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अमेज़ॉन जब स्टार्टिंग स्टेज में था, जब अमेज़ॉन शुरू होने वाला था, और शुरुआती दौर में ही इन्होंने जो है अमेज़ॉन का शेयर खरीद के रख लिया था। उन्हें उस वक्त किसी को भी नहीं मालूम था कि ये अमेज़ॉन इतनी बड़ी कंपनी बन जाएगी जो पूरी दुनिया पे छा जाएगी और उसका शेयर का रेट इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि वो शुरुआती दौर में उसमें आ गई थी और उन्होंने उसका शेयर परचेस किया और कुछ सालों बाद उस शेयर की वजह से जो है ज़्यादातर जो उनकी संपत्ति है, जो $6 बिलियन उन्होंने डोनेट करे, उसमें से ज़्यादातर जो शेयर थे वो अमेज़ॉन की वजह से उन्होंने कमाए थे। मतलब $6 बिलियन की जो उन्होंने डोनेशन किया था, सही वक्त पर सही समय पर उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया था अमेज़ॉन के शेयर खरीदने में, और उसको ये काम आया बाद में, और $6 बिलियन उन्होंने डोनेट करे। आप सोचिए $6 बिलियन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत 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 ज़्यादा होता है, और ये छोटी मोटी चीज़ नहीं होती है। यहाँ पे कई कई जो है यहाँ पे उन्होंने संस्थाओं को डोनेट किया, ये जो है डोनेशंस की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा, मतलब मैक्सिमम डोनेशन में से एक माना जाता है पूरी दुनिया में, जो बहुत बड़ी बात है दोस्त। तो यहाँ पर हमको ये सीखने को मिलता है कि शुरुआती दौर में दोस्तों, कभी भी कोई भी चीज़ जब शुरुआती दौर में होती है तो उस पर जो है हमें पता नहीं होता है, लेकिन अगर पता होता, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा आगे जाने वाली है, तो आप उसमें ज़रूर रिस्क लीजिए, जैसे कि उन्होंने किया। और मैकेंजी ने जो है शेयर शुरुआती दौर में उसका शेयर लिया और आज ये कंडीशन है कि उन्होंने जो है डोनेट किया, मतलब $6 बिलियन डोनेट करना कोई बच्चों का खेल नहीं दोस्त, बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं कर पाती, वो सिंगल एक ही पर्सन ने कर डाला, तो ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ से हमको दोस्तों यही सीख मिलती है कि हमेशा सही वक्त पे सही समय का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि जब सही वक्त और सही समय आएगा और आपने जो पुराने आपने कुछ ऐसे कुछ काम किए होंगे जिसकी वजह से जो आपको जो है, अब कई बार हमको लगता है सफलता नहीं मिल रही, हम लेट हो रहे हैं यार, लोग बहुत आगे निकल रहे हैं, बिल्कुल ऐसा मत सोचिए, सही वक्त आएगा, सही समय आएगा। आपने जो काम किया है, आपने जो आज की डेट में काम किया, उसका रिजल्ट आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, नरसों नहीं, एक साल, दो साल, तीन साल बाद डेफिनेटली मिलना है, क्योंकि आपने सही समय का इंतजार किया। और अगर आपने सही समय का इंतजार किया तो आपको दुनिया में कोई भी जीतने से रोक नहीं सकता। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब।